हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। मेरा नाम है अतुल रावत और आप देख रहे हैं रेबार फ्रॉम माउंटेन्स फ्रॉम दीज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। तो आज तारीख है 15 और समय हो रहा है 11:30 बजे। मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ गौचर से। मैं सुबह पहले एक राउंड गौचर गया, फिर दोबारा से वापस आया, और वापस आने का रीज़न ये है कि आज हमारे गाँव में है माता भगवती का पूजन। तो मुझे आते आते थोड़ी सी देर हो गई है और बाकी सारे लोग ऊपर चले गए हैं, कुछ लोग पांडव चौक में प्रसाद बना रहे हैं। तो चलो हम भी चलते हैं फटाफट। तो ये है पांडव चौक और यहाँ पे बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, छोले और पूरियाँ। तो यहाँ पे लगे हुए अपने दाल जी, ये अपने बेजी आशीष दाल जी, लोग कैसे हैं, कल ही आए हैं, और बाकी अपने बबलू दाल जी, अनिल दाल जी, आशीष दाल जी और रघु दाल जी से मिला दिए हमने। छोले बन रहे हैं, पूरी बनने की प्रोसेस होगी। तो गांव के यहाँ ऊपर साइड को है हमारी माता उफराई देवी, माता भगवती का मंदिर। चल रहा है भजन कीर्तन और हम गरम कर रहे हैं यहाँ पे अपने लिए चाय, भले धूप लगी हुई है बहुत तेज, लेकिन चाय पी लेते हैं एक ग्लास, फिर आगे का काम करेंगे। काफी देर बाद अभी भी भजन कीर्तन चल रहे हैं, कीर्तन मंडली बिना रुके बिना थके लगी हुई है और अंदर पूजा हो रही है। मैं आपके सामने के नज़ारे दिखाता हूँ, देखिए अलकनंदा नदी सामने चारों तरफ, एकदम वाइट व्यू आता है यहाँ पे, बहुत मस्त वाला। ये नीचे गौचर है, ये हमारे गांव का एरिया, और यहाँ पे है हमारा प्राइमरी स्कूल, फिर ये अपना माता भगवती का मंदिर, और माता भगवती के मंदिर के ही बगल पे है हमारे नाग देवता का मंदिर। बहुत सुंदर जगह है, साथ में मेरे है पीयूष। तो जब तक वहाँ भजन कीर्तन हो रहे थे, मैंने कहा नाग देवता के दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद सबके साथ मिलके हम लोग जाएंगे लाटू देवता। वहाँ भी एक मंदिर है, लटखाल बोलते हैं उस जगह को, वहाँ पे लाटू देवता का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन करके आएंगे, वहाँ भी पूजा अर्चना होगी। तो अभी चढ़ावा चढ़ रहा है, जो भी लोग माता के लिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ावा लाए हैं, कोई साड़ी लाता है, चूड़ियां लाता है, बिंदी लाता है, तो वो सब माता को चढ़ता है यहाँ पे, फिर पूजा होगी। तो चलिए ये हो गए हैं ढोल दमाऊ तैयार, अब यहाँ पे अपने देवता अवतरित होंगे। लड़के थोड़ा कम है यहाँ, तो दो तीन जने तो भंकोरे बजाने के लिए, छह एक दो जने ढोल दमाऊ बजाने के लिए, बाकी ये दादाजी लोग हैं अपने जिन पे देवता आते हैं, वहां पे महिलाएं हैं।
कक्ष में तुम नहीं हो। मैं छोड़ी था अकेले अकेले गए अरे नर्स से भी कल दी होनी आवाज नहीं बोली कोई बात नहीं आज दीवार में चाय मारे हम परमेश्वर महाराज और क्या हम तो आप ही को दे रहे हैं भाई आशीर्वाद बस अपने आशीर्वाद रखन अपनी चाय माय रखन सब सदबुद्धि सद्भावना सद विचार सद ज्ञान दो सब बस नर सकल दी होली बस देखिए भी चमाया आशीर्वाद जी बोल जी कबाल लेट होल कबाल जल्दी हो रहा जी बस बस माता भगवती के मंदिर में हो गई है पूजा। अभी हम जा रहे हैं लटखाल की तरफ, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं और कुछ लोग आगे चले गए हैं। थोड़ी देर वहाँ पे लाडू देवता की पूजा अर्चना होगी। ये रहा हमारे लाडू देवता का मंदिर, बेहतरीन सुंदर नजारों के बीच। अंबे अंबिके अंबालिके हरियाली देवी जो नमो अंबे अंबिके अंबालिके चंडिका देवी जो नमो
राज सारे कार्यक्रम के बाद, पूजा होने के बाद, यज्ञ होने के बाद कुछ लोग जा चुके हैं जिनको अपने थोड़े बहुत घर के काम निपटाने थे, और बाकी हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, देवी को तैयार कर रहे हैं पंडित जी, और फिर नीचे जाना है उनको अपने मायके से। ये मायका है और यहाँ नीचे गांव में ससुराल। चलिए जी, अब देवी को भेजने के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोग्राम, छोले और पूरी बनी हुई है जो कि यहाँ पे बन रही थी पांडव चौक पे, और शाम भी हो गई है एटलीस्ट लगभग 6 बज चुके हैं। कईयों को गौचर जाना है तो फटाफट से प्रोग्राम निपटाते हैं। और छोले और पूरी वाला प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है अपने दादाजी के द्वारा, तो स्पेशल थैंक्स अपने दादाजी को भी। है और सामने देखिए इंद्रधनुष दिख रहा होगा हल्का सा, तो मौसम हसीन हो गया है, धूप, इंद्रधनुष और बारिश। सारा प्रोग्राम निपट चुका है बढ़िया तरीके से, ऊपर अभी सारे लोग बर्तन धो रहे हैं खाने के जो भी बचे हुए थे। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो लगी होगी बढ़िया, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रेबार फ्रॉम माउंटेन्स को हम मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।